नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर आप तक। सत्ता का मेगा फाइनल शुरू हो गया है। सत्ता के सेमीफाइनल में चुनाव 2018 में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एड़ी जूटी का जोड़ लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विवेक कटारा के समर्थन में वोट मांगने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज उदयपुर पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार विवेक कटारा के समर्थन में वोट मांगे। कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक कटारा ने एक सभा का आयोजन किया जिसके अंदर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत और कांग्रेस की पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास और उदयपुर कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। साथ ही अशोक गहलोत का बहुत ही गर्मजोशी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और मंच पर उनको सम्मानित किया। उसके बाद लाल सिंह झाला, गिरिजा व्यास और अशोक गहलोत ने बारी बारी से जनता को संबोधित किया। अशोक गहलोत ने वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही विवेक कटारा के समर्थन में वोट भी मांगे। पार्टी की तरफ से विवेक कटारा यहां से उदयपुर ग्रामीण से और उदयपुर शहर से गुलाबचंद कटारा के खिलाफ गिरिजा व्यास मैदान में है और रोचक मुकाबला इस बार हो चला है। काम किए जा रहे लाख लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, विवेक कटारा आपके उम्मीदवार है, भारी मतों से जीता है, पूरी ताकत से ये शक्ति समाजी तब होगी, खेत राय के कटारे के पुत्र है, ये आप तब शक्ति से तब गई है, ये भारी मतों से जीता है, धन्यवाद, जय हिंद। मैं ढेर से आशीर्वाद, मैं प्रेम से और आप लोगों से नम्र निवेदन कि बहुत हो चुका। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह का कारण बने और जिस तरह से राज्य की अव्यवस्था की, अशोक गहलोत जी का सरकार का कार्यकाल सब लोगों को बर्बस याद आता है और बर्बस याद आते हैं उनके किए गए कार्य की जरूरत जहाँ जाते कहते सब अशोक जी के कार्यकाल में जो कार्य हुआ था उस कार्य की दृष्टि कर दी गई। आज किसान दुखी, आज व्यापारी दुखी, आज युवा शक्ति हमारी दुखी, आज महिलाएं दुखी और गहलोत साहब के जमाने में वृद्ध जन्म से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक भी आपने सारी व्यवस्था की थी। चलो साहब, हम कुछ भी आपके शब्द नहीं है कि हम आपके द्वारा आपके शासन काल में किए गए कार्यों की कुछ व्याख्या कर सके। हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे ताकि आप हम सब का नेतृत्व कर सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे जिला कांग्रेस लाल सिंह झाला साहब, आदरणीय जिलावास जी, संजय कटारा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विवेक कटारा जी, इनके के राजस्थान के अध्यक्ष रजनीशाल श्रीमाली जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उदयपुर ग्रामीण के सीट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। विवेक कटारा एक नौजवान है जिनको राहुल गांधी जी ने बहुत चलन करके आपके यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है। इस आशा के साथ में आप सबका उनको आप सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा, भोला मत आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होंगे। जैसा भी आपने इनको सुना, यहाँ जीत के जाएंगे तो ये चुनाव जीतने के बावजूद भी आपके बीच में आते जाते रहेंगे। आपके तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके इस चुनाव में वापस आप कांग्रेस से सहकार बनाओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना चुनाव में पहुँच जाएगा। ये चुनाव एक मैसेज दे देंगे देशवासियों को कि किस दिशा में देश को जाना है, किस दिशा में देश जाएगा। और आज लोकतंत्र पे खतरे हैं, आज देश पे खतरे हैं, क्योंकि मेरा निश्चित मानना है कि मोदी जी का आज अजीत डोभाल की बात आपने देखी होगी मीडिया में, जो सोशल मीडिया देखते हैं क्या बोलते हैं वो पीएमओ के एडवाइजर हैं वो, तो देश जो है बहुत मेरे हिसाब से, हो सकता मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से देश में जो हालात हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। कानून का राज नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो अमित शाह जी खुद क्या बोल रहे हैं, सब बातें देश देख रहा है, टाइम आने में जवाब देगा। मुझे यकीन है देशवासी बहुत ही समझदार है, समझते हैं,
कॉमन सेंस क्या है वो जानते हैं, इन चुनाव में सबक मिलेगा, बाद में चुनाव आ रहे पार्लियामेंट के, तब देखेंगे कि देश में बदलाव आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा को हराने के लिए आप क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हो और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आपके प्रचार में आने से आपको कितना लाभ होगा? निश्चित तौर से अशोक जी गहलोत पूरे देश के नेता है और पूरे प्रदेश में जो उनकी चाहत है लोगों के प्रति, जिस तरह से लोग उनकी मांग कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, वो एक जननायक है पूरे प्रदेश के। उनके आने से आज जो उन्होंने बातें बताई, भारतीय जनता पार्टी के नाके में बताई, निश्चित तौर से भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को लेके हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे 5 साल हमारे प्रदेश की जनता परेशान हुई है, उस मुद्दे को हम लेके जा रहे हैं। और हमारे विकास के जो मुद्दे हैं, युवाओं की नौकरियों को लेके और हमारे मेडिकल कॉलेज और खेल मैदान को लेके हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पेयजल की समस्या सबसे बड़ी, उसकी हमारा मेरा मुख्य मुद्दा है कि उस समस्या को सबसे पहले एड्रेस करना है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।